दोस्तों चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, प्रेग्नेंट महिला को ग्रहण को लेकर चिंता रहती है और बहुत से सवाल होते हैं उनके मन में कि ग्रहण और सूतक काल के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ऐसी चिंता करना जायज भी है क्योंकि हमारे समाज में ग्रहण और सूतक काल को लेकर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। अगर ग्रहण के नियम पालन ना किए जाएं तो गर्भ में बच्चे को या उस प्रेग्नेंट लेडी को कोई ना कोई नुकसान होता है, और इन्हीं चीजों से डरकर परिवार वाले और घर के बड़े बुजुर्ग प्रेग्नेंट लेडी को ग्रहण के नियम मानने को कहते हैं, और इसलिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में ये नियम बनाए गए हैं ताकि प्रेग्नेंट महिला और उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। ग्रहण को लेकर प्रेग्नेंट महिला के मन में बहुत से सवाल होते हैं। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट महिला के ग्रहण और सूतक काल से संबंधित सवालों के जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि ग्रहण और सूतक काल कब है और क्या समय है। 26 दिसंबर 2019 को सुबह 8:17 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 9:26 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और 11:05 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, और ग्रहण का सूतक 25 दिसंबर की शाम 5:32 पर शुरू होगा और ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। फ्रेंड्स, ग्रहण लगने से पहले सूतक लगता है, इसलिए जानते हैं सूतक काल में कौन से काम प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और इस समय पर पूजा पाठ बिल्कुल मना होता है। सूतक काल को लेकर प्रेग्नेंट महिला के मन में पहला सवाल होता है कि क्या सूतक के समय खाना बना सकते हैं। जी हाँ, सूतक काल में खाना बना सकते हैं, लेकिन आप काटने और छीलने वाले काम सूतक से पहले ही कर लें, क्योंकि काटने और छीलने वाले कामों के लिए नुकीली चीजों का सेवन करना होता है जो कि सूतक के समय प्रेग्नेंट महिला को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से बच्चे के अंग कट सकते हैं, इसलिए अगर हो सके तो आप सूतक काल लगने से पहले ही खाना बना लें तो अच्छा होगा, और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। ऐसा करने से आपका बना हुआ खाना शुद्ध रहेगा और आप इसे सूतक काल में भी खा सकती हैं, इसलिए आप सूतक के समय खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते सूतक लगने से पहले ही डाल दें। दूसरा सवाल, क्या ग्रहण के समय खाना खा सकते हैं और पानी पी सकते हैं? नहीं, प्रेग्नेंट महिला को ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए और ना तो पानी पीना चाहिए, और अगर आपको बहुत भूख लगती है तो खाने में तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। तीसरा सवाल, प्रेग्नेंट महिला के मन में होता है कि सूतक काल या ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकते हैं? जी हाँ, आप सूतक के समय मोबाइल और टीवी तो देख सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहना चाहिए, इसका बुरा असर बच्चे पर होता है। चौथा सवाल, क्या ग्रहण के समय सो सकते हैं या लेट सकते हैं? प्रेग्नेंट महिला सूतक काल में तो आराम से सो सकती है, लेकिन ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को सोना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप बिना पैर और हाथ मोड़े सो सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पैर और हाथ सीधे रहें, और एक नारियल अपने पास जरूर रखें और गले में तुलसी की माला पहन लें या अपनी लंबाई जितना धागा लेकर घर के किसी कोने में लटका दें। ऐसा करने से आप आराम से सो सकती हैं, और ग्रहण खत्म होने के बाद नारियल और धागे को चलते पानी में बहा दें। ऐसा करने से आप ग्रहण के दुष्ट प्रभाव से बची रहेंगी और आराम से सो भी सकती हैं। एक और सवाल आता है कि क्या हम सूतक या ग्रहण काल में यूरिन पास यानी वॉशरूम जा सकते हैं? जी हाँ, आप सूतक के समय यूरिन पास कर सकती हैं, लेकिन ग्रहण के समय यूरिन पास करने जब जाएं तो इतना ध्यान रखें कि वॉशरूम की कुंडी खुद से ना खोलें, ना बंद करें, और ग्रहण की किरणें आप पर ना पड़े। घर के अंदर बाथरूम है तो फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर घर से बाहर बाथरूम है तो यूरिन पास करने से बचें, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला पर ग्रहण की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। और कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं ये पूछती हैं कि मेरा फर्स्ट मंथ है प्रेगनेंसी का, या सेकंड मंथ है, या नाइन्थ मंथ है, क्या हमें ग्रहण के नियम मानने होंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, जब तक आपके गर्भ में नन्ही सी जान पल रही है आपको ग्रहण के नियम मानने होंगे, फिर चाहे आपको कोई भी मंथ चल रहा हो। आखिरी सवाल की, क्या जो नियम प्रेग्नेंट महिला को मानने हैं वो नियम उसके पति को भी मानने होंगे?
ग्रहण के नियम तो सबको मान्य होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को ज्यादा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा होता है, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। इसलिए आपके पति को भी ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्हें ग्रहण के समय बाहर जाने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने उन सब सवालों के जवाब दिए हैं जो ग्रहण और सूतक से संबंधित प्रेग्नेंट महिला के मन में होते हैं। और अगर आपके मन में भी अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जितना हो सके शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज।